हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई फील ऑल ऑफ यू मस्ट बी डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, टुडे क्लास 10th के नीट JEE फाउंडेशन कोर्स में हम डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। As the name suggests, in this chapter we are going to discuss about chemical bond and resulting molecular structure because of bond formation. So let's first have a bird's eye view of this chapter. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले केमिकल बॉन्ड होता क्या है? अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इट इज? क्या ये कोई रस्सी है जो दो एलिमेंट्स को बांधे रखती है? नहीं फ्रेंड्स, दैट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड एंड व्हाई एग्जैक्टली द एटम्स आर बॉन्डेड टूगेदर। ये बॉन्ड बनता क्यों है? ऐसी कौन सी जरूरत है एलिमेंट की जो दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने से पूरी हो रही है? और अगर ये दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है तो किस तरह से जुड़ रहा है? हाउ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। तो बॉन्ड के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आयोनिक बॉन्ड में फ्रेंड्स, उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक पॉजिटिव चार्ज स्पेशीज जिसे हम कैटायन कहते हैं, एनायन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है फ्रेंड्स, तो उसके फॉर्मेशन के बारे में बहुत सारी थियोरीज प्रपोज की गई है। जैसे कि सबसे पहले आई कॉसेल एंड लुइस की ऑक्टेट थियोरी, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट प्रिंसिपल भी कहते हैं जिसे। तो 1916 में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहली थियोरी जो आई वो है कॉसेल एंड लुइस थियोरी। उसके बाद में आई वैलेंस बॉन्ड थियोरी, उसके बाद में आई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी। फ्रेंड्स, ये नाम आपको अभी थोड़े लेंदी और क्यूम्बरसम लग रहे होंगे, लेकिन ओवर द ड्यू कोर्स जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे ये आपके फ्रेंड के जैसे लगने लगेंगे। और सबसे एंड में आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जो कि मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के आधार को भी इसने स्वीकार करके ऑर्बिटल थियरी को प्रपोज किया था। तो ये था एक ब्रीफ व्यू, बर्ड व्यू, कि हम ये चैप्टर से क्या सीखने वाले हैं। एज सच दिस चैप्टर इज इन 11th स्टैंडर्ड आल्सो, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस है नीट JEE या फिर आपकी NCERT बोर्ड की एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम्स में ढेर सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में अप्लाई करने पड़ेंगे, इसलिए ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। तो लेट्स बिगिन विथ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होके बॉन्ड बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम एक एनालॉजी देखते हैं ह्यूमन लाइफ की। फ्रेंड्स, ह्यूमन सोसाइटी में हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं, वो दोस्तों, यारों, दोस्तों, फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। और मेजॉरिटी जो है ह्यूमन सोसाइटी,
मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी वोंट लाइक टू स्टे अलोन। अलोन रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। हर किसी को फ्रेंड के साथ मौज मस्ती में रहना अच्छा लगता है, फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता है, यानी फैमिली में, दोस्तों के साथ, सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग को कैसा महसूस होता है। ह्यूमन बीइंग खुद को स्टेबल फील करता है फ्रेंड्स। कैसा फील करता है? स्टेबल फील करता है। और इन सब को कौन सा बॉन्ड जो है वो बांधे रखता है? लव। इनके इनको एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव है, इसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और इन जुड़ने से इनको कैसा फील होता है? सेफ, सिक्योर, स्टेबल, है ना फ्रेंड्स। लेकिन ऐसे भी कुछ सोसाइटी में लोग होते हैं साधु बाबा टाइप, जो कि अकेला रहना पसंद करते हैं, सोसाइटी में रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। दे आर हर्मिट, लोनर्स, अकेला रहना पसंद करते हैं, जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं सन्यासी टाइप के लोग। इनको ईश्वर प्राप्ति की आस लगी हुई रहते, संसार में इन्हें रस नहीं रहता है। तो सिमिलरली फ्रेंड्स, एटॉमिक वर्ल्ड भी जो है वो हमारे इंसानों की तरह ही है फ्रेंड्स। अगर आप देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में 117 एलिमेंट्स है, लेकिन इन एलिमेंट्स से बने हुए कंपाउंड्स कितने हैं? मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है, बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है। तो फ्रेंड्स, ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ना पसंद क्यों करते हैं, क्यों बॉन्ड बनाते हैं? ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स है जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना नहीं पसंद करते। उन्हें एटॉमिक वर्ल्ड में इनर्ट और नोबल गैसेस कहते हैं, इनर्ट और नोबल गैसेस कहते हैं। और जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं वो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। वो कैसे एलिमेंट्स होते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और इनर्ट वाले इनएक्टिव होते हैं, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। जैसे कि हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अभी अभी कुछ मॉलिक्यूल्स ज़ेनॉन के भी साइंटिस्ट्स ने सर्च किए हैं, फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन इन जनरल वी कॉल दीज गैसेस एज नोबल गैसेस, इनर्ट एलिमेंट्स। ये किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये एटॉमिक वर्ल्ड के सन्यासी लोग है। ये एटॉमिक वर्ल्ड के क्या है? सन्यासी लोग है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि ह्यूमन सोसाइटी इज एनालॉगस टू एटॉमिक वर्ल्ड। कुछ एटम्स जो है, कुछ एलिमेंट्स जो है वो कुछ एलिमेंट्स एक्टिव है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ रहे हैं, और कुछ एलिमेंट्स जो है वो इनर्ट है। तो फ्रेंड्स, ये जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, ये क्यों जुड़ रहे होंगे? इनकी ऐसी कौन सी नीड है जो कि सेटिस्फाई हो रही है एक दूसरे के सानिध्य में? तो फ्रेंड्स, चलो डिस्कशन शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लुईस एंड कोसल अप्रोच। सबसे पहले तो हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं मैटर के? लाइक आयंस और एटम्स। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन गैस अगर देखेंगे तो ये सेम एलिमेंट में बॉन्ड बना रहे हैं। HCl को अगर देखेंगे तो ये अलग अलग एलिमेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यानी केमिकल बॉन्ड क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, ये बॉन्ड क्यों बना रहे होंगे? इनकी ऐसी कौन सी जरूरत है जो बॉन्ड बनाने से पूरी हो रही है? ऐसी कौन सी जरूरत है जो इनकी पूरी हो रही है? फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे, कोसल और लुइस ने ऑब्जर्व किया कि एटम जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो उनकी जो वैलेंस शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो रही है। और अगर इनर्ट गैसेस भी देखेंगे हम लोग तो उनका भी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? NH2 NH6। यानी एलिमेंट्स विथ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स 8, यानी एलिमेंट्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर स्टेबल एलिमेंट्स। दे वोंट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट। और उनके नियरेस्ट एलिमेंट जो है वो इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना पसंद करते हैं और अचीव करने के लिए प्रयास करते रहते। दे ट्राई टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन के लिथियम के लिए क्या है? वो डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, यही एक लुइस और कोसेल का जो ऑब्जर्वेशन था बहुत बड़ा, कि जो एटम कंबाइन हो रहे हैं और जो एटम अकेले रह रहे हैं, उन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। तो ये जो एटम्स एलिमेंट्स है जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं हो रहे हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इनके नज़दीक, इनके नियरेस्ट जो भी एलिमेंट्स है वो इनके जैसा बनना चाहते हैं और इस चाह से ये दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2, कॉमा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2.5, 1s2 2s2 2p3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा किसी और से, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, NH3 मॉलिक्यूल, इसमें देखिए नाइट्रोजन का क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एंड दैट इज नथिंग बट द ऑक्टेट रूल प्रपोज्ड बाय लुइस एंड कोसेल, की ईच एंड एवरी एलिमेंट ट्राइज टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल।
तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. दैट वाज द ब्रीफ अबाउट ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल क्या है कि हर एलिमेंट जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए प्रयास करता है, एंड दैट प्रिंसिपल इज ऑक्टेट रूल. एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट ऑक्टेट रूल. तो फ्रेंड्स एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ में, एलिमेंट्स जो है